वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RS Vlogs और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने नए और एक फ्रेश एपिसोड में जो कि मोटो व्लॉगिंग होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सरप्राइज़ राइड पर मैं जा रहा हूँ। लोकेशन मैं आप लोगों को अभी शेयर नहीं करूँगा, वीडियो में बने रहो, आप लोगों को आगे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ा सा शेयर करो यार। के लिए मतलब ये जो राइड है मतलब काफ़ी लंबी राइड भी होने वाली है, काफ़ी मेहनत भी लगने वाली है, तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें। तो मैं आप लोग सुबह 5 बजे चला था, 60-70 किलोमीटर हो गए हैं चल के और फिलहाल के लिए मैंने एक जगह ब्रेक लिया है। तो बाकी का जो भी अपडेट है आप लोग को मैं आगे राइडिंग के टाइम पे दूंगा। चलिए आगे मिलते हैं राइडिंग पे। स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि मैं एक लॉन्ग राइड पे हूँ। अभी हम लोग यहाँ ब्रेक पे रुके थे, मैंने अपना GoPro वगैरह सेट किया और अब हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं। तो प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हैं तो, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो या फिर इस सीरीज़ में जितनी भी वीडियोस बनती हैं पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना। वीडियो में बने रहो, देखो कुछ नया अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैक्सिमम मैं अपना डिस्टेंस जो है आज कवर करूँगा। मेरा टारगेट है कि आज एटलीस्ट 500 से 600 किलोमीटर की राइड पूरी करना, ताकि मेरे आने वाले जो डेज़ हैं इस राइड पे वो थोड़ा सा इजी रहे। करने में लगते हैं फिर ट्रिप एंड करने में लगते हैं तो उस टाइम पर थोड़ी सी एनर्जी लो होती है, तो मतलब ना डिस्टेंस उतने पूरा करने में दिक्कत होती है। गाइस रोड जो है ना एकदम मक्खन है अभी तक के लिए तो, और मज़ा आ रहा है ड्राइव करके। मतलब मन कर रहा है कि रोकूं ब्रेक लूं, लेकिन अगले ही सेकंड में जो है रोड और ज़बरदस्त आ जा रही है तो चलाए जाओ।
भाई लोगों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अभी अभी हम लोगों ने पानीपत क्रॉस किया था, तो फ़िलहाल अभी जो है हम लोग थोड़ी देर पहले बाइक का जो एयर है, एयर प्रेशर चेक कराने के लिए रुके थे, तो वहाँ पे 15-20 मिनट रुक गए क्योंकि GoPro की बैटरी जो है वो चेंज करनी थी। क्योंकि आप लोगों को सबको पता ही होगा कि GoPro की बैटरी का जो बैकअप है वो अगर आप कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो एक घंटे से ज़्यादा रहता नहीं है, तो उसकी बैटरी ड्रेन हो गई थी। तो मैंने बैटरी चेंज करी और जो बैटरी ड्रेन हो गई थी उसे चार्ज में लगाया, तो थोड़ा फ्रेश हुए वहाँ पे और फिर उसके बाद चले। तो मतलब 20 से 25 मिनट वहाँ पे हम लोगों ने लगाए। अपन लोग अभी जो है अम्बाला पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा सा थक गए थे और सोचा कि एक ब्रेक ले लें, तो फ़िलहाल के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे यार। अभी अम्बाला क्रॉस करके ना ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस एक बार हम लोगों ने चाय पी थी। बाकी अभी तक तो ठीक है सब कुछ। 190 किलोमीटर आ गए हम लोग दिल्ली से, देखते हैं। चलो आगे कुछ मिलता है अपडेट तो मैं आप लोगों को देता हूँ ना। भाई हम लोग अभी जो है फिलहाल जो है अम्बाला के गेट पे खड़े हैं, तो सोचा थोड़े फ़ोटो वोटो क्लिक कर लें। इंस्टा पे आप लोग चेक कर सकते हैं फ़ोटोज़ और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं इंस्टा पे और फेसबुक पे। बाकी फ़िलहाल आगे के लिए आप लोगों को आगे जो भी अपडेट होता है आपको मैं राइड में देता हूँ। सो भाई लोगों, एक अपडेट देनी थी आप लोगों को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी हम लोगों ने जस्ट अम्बाला गेट क्रॉस किया है, तो अम्बाला गेट से जो है दो रास्ते निकलते हैं। लेफ्ट वाला रास्ता अगर आप लोग लेंगे तो वो शिमला जाएगा चंडीगढ़ होते हुए, राइट वाला लेंगे तो हम आपको जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख इधर से ही निकल सकते। तो फ्रेंड्स, ये आज के दिन का जो है हमारा थर्ड टोल आने वाला है। बाकी तो सब सही चल रहा है। अब हम लोगों को जो है ना ब्रेक लेना है कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख लगाई है। और अभी जब से हमने इस रूट पे टर्न लिया है तब से अभी तक हमें जो है ना कुछ कोई ढाबा ढंग का मिला नहीं है। तो आई एम होपिंग कि जल्दी ही कोई ढाबा मिल जाए ताकि पेट पूजा भी कर ली जाए और हमारी जो बसंती हैं जिनका ही नाम अभी हमने ये रखा नहीं है, हमारी जो बाइक, तो उनको भी मुझे लगता है कि कुछ देर बाद भूख लगने वाली है, तो उनकी भी पेट पूजा कराएंगे। बाकी अब थोड़ा सा जो है ना आप लोग कह सकते हैं सीनरी चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस पार्ट। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है ना जलंधर सिटी को शायद बाईपास कर रहे हैं और बाकी का जो अपडेट है आगे आप लोग बने रहिए वीडियो में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल तो यहाँ से अमृतसर 82 है, करतारपुर 13 किलोमीटर है, तो मुझे लगता है अमृतसर हम लोगों के रूट में नहीं आएगा, हम लोगों को एक दूसरा रूट लेना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल गूगल जो है हमें
सीधे चलने के लिए बोल रहा है तो हम लोग स्ट्रेट हैं ऐसी हाईवे। सो भाई लोगों, राइड अपडेट। जलंधर क्रॉस करने के बाद एक मतलब जलंधर जैसे ही हमने बाईपास किया, जस्ट बाईपास करते ही एक फ्लाईओवर आया, उसके नीचे से हमने राइट लिया है टुवर्ड्स पठानकोट। मैं ये सब अपडेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए मतलब फ़र्स्ट टाइम है ये रूट, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो भी फर्स्ट टाइमर्स होंगे उनके लिए हो सकता है ये हेल्पफुल रहे। तो इसलिए मैं ये सारी अपडेट्स आप लोगों को दे रहा हूँ कि मैं किस रूट से जा रहा हूँ। भाई गाना तो गा लिया मैंने आधा सही, मतलब 90% गलत और 10% सही, तो हो सकता है कॉपीराइट आए, तो इसलिए मैंने ये गाना डिलीट कर दिया है। बाकी के लिए रास्ता आप लोग देख रहे हैं, फ़िलहाल अभी कुछ नया आ नहीं रहा है, तो आता है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। वैसे ना थोड़ा सा इस रूट पे मज़ा आ रहा है, ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट सा रूट लग रहा है, अच्छा अच्छा सा फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। बट टोल आ गया है आई थिंक सो, नहीं टोल नहीं है भाई लेकिन भाई एक बात कहूँ, पंजाब है बहुत साफ सुथरा, रोड बहुत अच्छे हैं। फिलहाल के लिए हम लोग पठानकोट की रास्ते से निकलने वाले हैं, जैसा कि मुझे पता चला है, खुफिया सूत्रों ने मुझे बताया है कि आगे पठानकोट आएगा पहले, उसके बाद जम्मू आएगा, तो तैयार हो जाइए और साथ ही साथ कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। देखो भैया गन्ना काट रहे हैं, कितना गन्ना खाएगा, जबरदस्त 395 किलोमीटर हो गया है भाई लोगों, 395 किलोमीटर हो गए हैं सुबह से लेके अभी, अब जाके बहुत देर बाद पूरे दिन की जो धूप थी दोस्तों सर सामने से या सर पे पड़ी है, मतलब थोड़ी सी राहत आई है राइडिंग में, अब देखते हैं कहीं पे ब्रेक लेते हैं दोबारा से, क्योंकि ना शरीर एकदम अकड़ गया है, और डिसाइड करते हैं कि कहाँ रुकना है आज। टोल प्लाजा आने वाला है 500 मीटर में भाई लोगों, जम्मू दिखा रहा है 181, पठानकोट 71 और श्रीनगर पूरा 4। भैया राइड अपडेट, भाई शाम के बज रहे हैं 7:05, अपन लोगों ने जो बाइक खींचते अब हम लोग जो है पहुंचने वाले हैं हम लोग पठानकोट। तो
जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि मैं पठानकोट पे आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आगे जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, या वहीं आज स्टे करूंगा। तो अभी दोनों तरफ जो है छोटे छोटे पहाड़ शुरू हो गए हैं, पता नहीं आगे कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि तो देखते हैं कि आज का हॉल्ट पठानकोट है या फिर एक और डेस्टिनेशन हमें पता चली है, वो है लखनपुर। हाँ, जम्मू और पंजाब का बॉर्डर है, तो उसके आसपास जो है ना अपने को होटल मिल सके। वीडियो देखिए, हम लोगों ने दिल्ली से स्टार्ट किया और मैंने आज जो राइड एंड करी है वो एंड करी है पठानकोट पे। जी हाँ दोस्तों, मैं पठानकोट पे ऑलमोस्ट 6:30 PM पे पहुंच गया था, बट पठानकोट में होटल ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। हम लोगों ने 7:30 बजे चेक इन किया पठानकोट से 8-10 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पे एक्चुअली होटल्स उतने हैं नहीं, और अगर हैं भी तो थोड़े कॉस्टली हैं। तो अगर कोई इस रूट में आता है फर्स्ट टाइम तो आप चेक करके आना पहले से ही, और बाकी तो जो लोग आते जाते थे उन लोगों को तो पता ही कि कौन सा होटल कहाँ पे है। तो मेरा तो ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। फिलहाल के लिए आज जो मैंने टोटल जो बाइक राइड करी है वो 515 या 520 किलोमीटर है। मैंने एक्चुअल ओडो देखा नहीं, अभी थक गया था काफ़ी ज़्यादा। और चेक इन करते ही मैं आया, फ्रेश हुआ, खाना खाया, भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने उस टाइम एंड नहीं किया, तो सोचा कि अभी एंड कर दूँ। तो यही सब कुछ था आज का। होप करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। टिल देन।